सर, पिछले दिन अंडरपास को लेकर बातचीत हो रही थी, वो अंडरपास का निरीक्षण के दौरान सर बता रहे थे कि राज्य सरकार की ओर से फंड अभी तक उपलब्ध नहीं है। आज स्थानीय विधायक सुखराम उराव जी और डीएमटी फंड के अकाउंटेंट आए थे आपके यहाँ, जो 3,70,00,000 का ड्राफ्ट जो है अभी जमा हुआ है अंडरपास के लिए, आगे की प्रक्रिया क्या होगी सर? आगे की प्रक्रिया ये है कि अभी इसका जो ड्राइंग है नक्शा जिस अथॉरिटी ने पैसा जमा किया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जी, तो उनके चीफ इंजीनियर के पास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू भेजा गया है नक्शा को संकेत कराने के लिए, जो कि एक हमारे स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जिनका काम होता है उनसे हम लोग नक्शा पारित करवाते हैं जी। ये नक्शा पारित अभी उनके पास लंबित है, कुछ उन्होंने अपने निराकरण करने के लिए बोला है, तो हमने भी उनको संपर्क किया है कि वो अपने किसी अभियंता को भेज दें, क्योंकि साइट पे देखने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगी ऑफिस में अवसर आने की वजह। तो यहाँ जैसे ही वो आते हैं नक्शा पास हो जाता है उनके द्वारा, उसके बाद हम लोग जो आगे की प्रक्रिया है निविदा करेंगे। आज जैसे बैंक ड्राफ्ट अंडरपास को लेके जमा किया गया, बहुत दिन से प्रयास था और सीएम साहब को चिट्ठी भी आप लिखे थे, लगातार आप लगे रहे इसको लेके, आज बैंक ड्राफ्ट जमा हुआ है, आगे की प्रक्रिया क्या होगी? अब देखिए ईमानदार तो हिम्मत है और उसी हिम्मत विश्वास अपने हम लोग जनता का मूल समस्या जो लेके हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुँचे हैं, पहुँचाए सारा चीज़ को, और जो प्रक्रिया राज्य सरकार का जो प्रक्रिया है वो जो रेल का जो आदेश था कि ड्राफ्ट बना के हमको दिया जाए, वो ड्राफ्ट बना के राज्य सरकार जो है जिला का फंड जो है रेल को जमा कर दिया गया। अब इसके बाद जो प्रक्रिया है उसका रेल का है, इसके बाद जो आगे बढ़े होगा वो रेल का काम है। हम लोग का जो था फंड देने का, जो जिला का प्रशासन जो फंड देने का, वो फंड दे दिया गया है ड्राफ्ट के माध्यम से। अब अगला काम हमको लगता है रेल करेगा, हमको पूरा विश्वास है रेल, क्योंकि वो भी डीआरएम साहब भी बता रहे थे, जानते हैं कि भाई ये तो है, शहर को दो भागों में बांटा गया, दो भाग में बंटा हुआ है, तो अगर ये हो जाता है तो शहर मतलब हमको लगता है कि एकत्रित हो जाएगा, इसलिए रेल भी चाहता है कि हो। खाली फंड का व्यवस्था की बात था तो फंड जो था अभी जो हमको लगता है कि हमने जो देखा ड्राफ्ट 3,64,00,000 कुछ का था, और पहले भी कुछ ड्राफ्ट जमा था 7,50,000 का लगभग है, टोटल लगभग हमको लगता है कि 380 के लगभग है। अच्छा, टोटल है 380 के लगभग में है, और डिटेल तो हम सरकारी सब ड्राफ्ट सब हम कैसे देख सकते हैं। अच्छा, वो आपका जो फंड दिए हैं ब्लड बैंक के लिए, उसका भी प्रक्रिया चल रही है? नहीं, उनका प्रक्रिया नहीं, उनकी कमेटी बन गई है। अच्छा, कमेटी बन गई है। अब जैसे कि रेल से दो डॉक्टर होंगे, डीएमएस साथ में और एक श्याम सोरेन भी कोई है सर, श्याम दो डॉक्टर हैं, और हम लोग का जो सदस्य दो डॉक्टर हैं और एक जिला प्रशासन के, पांच लोगों की कमेटी बन गई है। कमेटी का मोहर भी हमको लगता है, हमको जहाँ तक मालूम है कि वो सब खत्म हो गया। अब है कि उनको टेंडर करना है, टेंडर करेंगे 7 दिन जो समय लेंगे टेंडर करेंगे, टेंडर जिनको भी होगा लोन होगा उसके बाद वो खरीदारी भी चल जाएगा। वो भी मैंने जो कमेटी वगैरह सारा चीज बन गया है। हम लोग कोशिश है कि 15 तारीख तक में, और हॉस्पिटल का भी है कि 15 तारीख तक में उद्घाटन करेंगे, कोशिश में है हम लोग, क्योंकि अभी डीसी का भी तबीयत खराब है, और टेंडर होगा, टेंडर के